नगर निगम रीवा को भारत सरकार की स्कॉच संस्था द्वारा बेस्ट इन इंडिया प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड दिल्ली में दिया गया। नगर निगम के अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला ने यह अवार्ड ग्रहण किया। इसके मिलने से नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। नगर निगम की अमृत योजना के तहत जल प्रदाय क्षमता बढ़ाने में नगर निगम रीवा को भारत सरकार की स्कॉच संस्था द्वारा बेस्ट इन इंडिया स्कॉच अवार्ड दिया गया। अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला ने नोडल अधिकारी के रूप में इसका प्रेजेंटेशन दिया था, जिसके लिए उन्हें देश का प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया। आइए जानते हैं नगर निगम के अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला से स्कॉच अवार्ड के बारे में। स्कॉच अवार्ड ये भारत आज ऐसे देख सकता है जिसमें भारतीय उसमें राष्ट्रीय स्तर का एक अवार्ड है, जिसको कि कई नगर निगमों के कई सब्जेक्ट पे काफ़ी होता है, इंटरव्यू होते हैं, उनका प्रेजेंटेशन देखते हैं, उसके बाद उनकी जूरी सिलेक्शन करती है। तो रीवा में हमने जो दिया था वाटर सप्लाई ऑर्गेनाइजेशन स्कीम, जलावर्धन क्षमता हमने कितनी बढ़ाई है, क्या क्वालिटी रखी, इसकी हमारा प्रेजेंटेशन था और उसमें हमको अवार्ड मिला है। अवार्ड क्यों मिला, इसका कारण भी है, मैं लगभग 2007 में वाटर सप्लाई हमको हैंडओवर हुई थी और ये माना जा रहा था एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन जिला की 3 लाख के आसपास, सेंसस के हिसाब से 3 लाख पॉपुलेशन जिला की मानी गई थी और उसके हिसाब से हमारे पास जब वाटर सप्लाई की हैंडओवर हुई थी तो उस समय मात्र हमारे पास 4 टंकियाँ हुआ करती थी, 5 टंकी थी और केवल हमारे पास 125 किलोमीटर करीब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन थी और आपने देखा होगा 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर तो गंदी नालियों में हो पाइपलाइन, आज भी उसका दंश पब्लिक झेल रही है, ठीक है ना, वो थी और मात्र हमारे पास 27 एमएलडी पानी था, उसमें भी दाइन तालाब चूँकि 13 एमएलडी जो पानी पुराना है, बहुत 57-58 का है वो, तो वो 8 एमएलडी ही दे रहा था। इस तरह से मैंने अगर आप उनको और घटा दें तो 22-23 एमएलडी पानी रीवा को मिल रहा था। तो मेरा तो ये मानना है उस समय लोग वाटर सप्लाई की बात ही नहीं किया करते थे क्योंकि इतना अनफेयर तो हो ही सकता है जो हुआ। मैं 2007 के बाद लगातार रीवा नगर निगम ने और मैं कह सकता हूँ इसमें मुझे कहने पर विदय संकोच भी नहीं है कि माननीय मंत्री जी का बिल पावर, उनकी सोच, उनकी डेवलपमेंटल ओरिएंटेड जो सोच है, उन्होंने पहली बार ये सोचा कि रीवा को मीठा पानी मिलना चाहिए और पब्लिक को खारा पानी देना अपराध है, क्राइम है एक तरह से, तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास उनके मार्गदर्शन में किया गया है और उन्होंने हर समय राशि दिलवाने का प्रयास किया। पहली बार वाटी से हम किसके 14 करोड़ रुपये मिले, इसके बाद हमको उन्होंने पैसा दिलवाया 25 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री बिना फर्स्ट में, फिर मुख्यमंत्री बिना सेकंड में भी पैसा दिलवाया उन्होंने 25 करोड़ रुपये, फिर इसके बाद 25-30 करोड़ रुपये और इसके बाद उन्होंने अमृत योजना में भी लगभग 35-40 करोड़ रुपये दिलवाया। इस तरह लगभग 1 अरब रुपये नगर निगम को रीवा मिले, जिसकी हमको महती आवश्यकता थी।